नमस्कार, आप देख रहे हो मेट्रो सिटी समाचार में। आज देखने वाले हैं 31 दिसंबर को महाराष्ट्र सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया है और देखने वाले हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। होटल पब आदि को 11 बजे के बाद खुले रहने की अनुमति नहीं होगी। मुंबई में जो व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। नए साल पर लोग भारी संख्या में धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने ना जाएं, साथ ही आतिशबाजी से बचे, नियमों का सख्ती से पालन करें। 31 दिसंबर को किसी भी तरह के धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। मुंबई में खासकर बड़े बुजुर्ग 60 साल के लोग और बच्चे 10 साल से कम के घर से बाहर जाने से परहेज करें। 31 दिसंबर के दिन नागरिक समुद्र तट, विशेष रूप से मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन लाइंस, गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होकर भीड़ करने से बचें। राहुल गांधी कृषि कानून को लेकर लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी किसान विरोधी कानून को रद्द करने से इनकार कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, इसको लेकर उन्होंने 4 विकल्प दिए। सरकार ने आईटीआर फाइल करने की तारीख बढ़ा दी है। कंपनियों के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न्स दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी 2021 तक कर दी है। मुंबई में न्यू ईयर का जश्न फीका पड़ता दिख रहा है। ब्रिटेन के नए कोरोना स्ट्रेन के बाद बंदियां और लगा दी गई है। रात 11 बजे पब डिस्को पर पूरी तरह पाबंदी है मुंबई में।